जयपुर से बड़ी खबर, बोरवेल के पास बने गड्ढे में गिरे दो युवक, एक युवक को निकाला गया बाहर। चौमू के अनंतपुरा चिमनपुरा इलाके का मामला है। हालांकि पहले जानकारी कुछ इस तरीके की थी कि दो बच्चे गिरे हैं बोरवेल में, लेकिन जानकारी अब जो मिल रही है उसके मुताबिक दो युवक हैं, जिनमें से एक को बाहर निकाल लिया गया है और एक को निकालने की कोशिश की जा रही है। राहत की बात यह है कि बोरवेल में नहीं बल्कि ये पास में बने गड्ढे के अंदर गिरे हैं। एक युवक को बाहर निकाल लिया गया है। चौमू के अनंतपुरा चिमनपुरा इलाके का मामला है और तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। मुमकिन है कि बारिश की वजह से जमीन धस गई होगी और उस वजह से हादसा हुआ होगा। मेरे सहयोगी सत्यनारायण जुड़ चुके हैं। सत्यनारायण, दो राहत की बातें, पहली तो है कि बच्चे नहीं युवक हैं, दूसरी है कि दो जो गिरे उनमें से एक को बचा लिया गया। ये कितना गहरा गड्ढा है और कितना वक्त और लगेगा दूसरे युवक को निकालने में? बिल्कुल विजय, देखिए जो अपन बोरवेल की खुदाई करते हैं तो बोरवेल की खुदाई के दौरान जो पानी का रिसाव हुआ उस रिसाव के कारण ये गहरा गड्ढा हो गया था। यहाँ पर जो सूचना आई थी हमारे पास कि दो बच्चे इसके अंदर गिरे हैं, लेकिन वो सूचना गलत निकली। अब बताया जा रहा है कि दो युवक इसके अंदर मिट्टी के अंदर धसे थे, अंदर काफी गहरा गड्ढा था, उसमें गिर गए थे। उसके बाद में ग्रामीणों ने अपने खुद के हिसाब से राहत कार्य चलाया और एक युवक को सकुशल बाहर निकाल लिया। हालांकि वो बेहोश हो गया, उसको अस्पताल में जाया, लेकिन अभी भी चिंता की बात यह है कि दूसरा युवक काफी गहरे गड्ढे में फंसा हुआ है, जिसकी आवाज भी ऊपर नहीं पहुंच पा रही। ऐसे में जो सिविल डिफेंस की टीम है उनको मौके पर भेजा गया है। पुलिस के आलाधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं और कोशिश की जा रही है कि जो युवक दफा हुआ है उसको जल्दी निकाला जाए। हालांकि रात का समय है तो काफी अंधेरा वहां हो चुका है। ऐसे में हेलोजन लाइट्स वहां से मंगाई गई है और उजाले के लिए अनेक साधन वो उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे जो युवक है उसको सकुशल बाहर निकाला जा सके। जी बिल्कुल सत्यनारायण, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।